अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों बहनों देवियों सजनों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेरा एक अजीज़ खो गया है, 3 साल पुराना साथी, उसको मैंने बेच दिया है। मैंने कहा क्या है, दोस्त आते जाते कोई मसला नहीं, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसके साथ बड़ा गलत किया, मैंने उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक नया बाइक ले लेता हूँ। मेरे पास होंडा CBF 150, उसको मैंने तकरीबन 2019 में ख़रीदा है और 3 साल अभी 22 ख़त्म होने वाला है उसको मैंने इस्तेमाल किया है। तीन साल में मैंने उसको 35,000 किलोमीटर रगड़ा दिया है। उसको पर्सनल भी यूज़ किया है, सिर्फ ट्रिप में नहीं, उसको मैं यूनिवर्सिटी तक लेके जाता रहा, फिर उसके बाद जब जॉब हुई, जब हर जगह। अच्छा, मैं इस तरह बोल रहा हूँ जैसे मैं कोई BMW 1600 वाला ले लूँगा। ना 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 ना, मेरा नया बाइक जो है वो सुजुकी GS 150। जैसे आप लोगों को पता है, होंडा का पीरियड ख़त्म, अब सुजुकी का पीरियड स्टार्ट होगा। और सुजुकी 150 मैं डिसाइड करके लूँगा। GS 150 जो स्पेशल एडिशन है वो कंपनी से बंद हो गया है, लेकिन डीलर्स के पास मिलता है, तो आई थॉट कि मैं ले लेता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ खड़ी है, बाहर जब जाकर तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब बंदा नया गाड़ी लेता है या मोटरसाइकिल, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैह व अऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैह। हाँ जी, कैसा बाइक है? मैंने इस बाइक को इसलिए लिया है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, वो है इसका इंजन, क्योंकि आपका भाई जो है वो ट्रैवलिंग को पसंद करता है। और वैसे हर तो हमने बहुत अरसा हुआ था हमने ट्रैवल नहीं किया है, बट ये बाइक बहुत ज़्यादा, इसको लोग वो कहते हैं ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और इसकी इंजन, इसका जो इंजन है, वन ऑफ द बेस्ट 150 इंजन इन पाकिस्तान। सो अब मैंने ये लिया है इस इंजन को ट्राई करने के लिए। मुझे इतना क्लासिक शेप नहीं पसंद, लेकिन मैंने बाकी चीज़ों पे समझौता कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इंजन को देखने के लिए। यह वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, सस्ता नशा। सो ये आपको ट्रैवलिंग का नशा जो है वो पूरा करता है सस्ते में। अच्छा, अगर आप लोग मुझसे पूछें कि फ़िलहाल तो मैंने इसको तकरीबन 2800 मैंने चलाया है, तो अगर क्विक रिव्यू इसका दूं, पिछला जो मेरे पास 150 था CBF, तो CBF और इसमें जो मेजर 3-4 मुझे फ़र्क नज़र आए, एक तो सबसे पहले सीट, उसकी सीट बहुत आरामदेह थी, मैं उस पर तकरीबन 5-6-7 घंटे बैठो, मतलब सही ट्रैवल करो तब आप जाके थक जाते हो। इसमें जब मैं पहले 3-4 दिन बैठा ना, तो ऑफिस जाते जाते मैं थक गया था, उसके बाद आदत हो गई, लेकिन उसकी सीट बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। नंबर 1। नंबर 2,
इसका वो नहीं है ना, गेयर का, गेयर का पता ही नहीं चलता किस गेयर में, मतलब अब तो आदत हो गई मुझे याद रहते, लेकिन पहले तो आदत नहीं होती इंसान को। और पेट्रोल इंडिकेटर भी नहीं है, ठीक है। तीसरा इसका कंजम्पशन, कंजम्पशन इसका फ़िलहाल अभी तक बेहतर है CBF से। CBF ने मुझे सबसे ज़्यादा दिया है 35 और सबसे ज़्यादा कम दिया है मेरे ख्याल में 31 या 30, तो 30 से 35 आपको देता था पर लीटर। इसने अभी एक दफ़ा मुझे दिया है 42 और नेक्स्ट टाइम मुझे दिया था 40, उसके बाद मैंने नहीं किया, अभी मैं करूँगा इंशाल्लाह दूसरी बार। तो ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ये 35-40 तक देते हैं और कुछ लोग 45 भी रिपोर्ट करते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ जो हुआ है 43 और 42 पर लीटर, इसकी कंजम्पशन ज़्यादा अच्छी है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगी है इसमें, इसकी लाइट, हेड लाइट जो है इसकी बहुत बेकार है। CBF का भी इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इससे तो बेहतरीन था। ये देखें ना, अभी तो खैर नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी वो है, दिन है, तो एक दिन रात को इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। और इसके ऊपर मैंने फ़िलहाल कोई काम शाम नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ कोटिंग की है और ये लगाया है मड गार्ड। अभी इंशाल्लाह लाइटिंग, मोबाइल का वगैरह, ये वो चीज़ें लगानी है, सेट करना है इंशाल्लाह। और चीज़ जो मुझे महसूस नहीं है, इसके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है जब चलाओ ना। CBF का इतना वाइब्रेशन नहीं था होंडा का। सोया फ़िलहाल ये मुझे फ़र्क नज़र आए इसमें और उसमें, सो लेट्स सी अब आगे ये कैसा देता है जब ट्रैवल करेंगे वगैरह इंशाल्लाह। तो ये थी आज की स्टोरी, अल्लाह हमें बरकत डाले इस नया बाइक पे और फातिहा करें पुराने बाइक पे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। इंशाल्लाह अब तो मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियोज़ में, मज़ा आने वाले हैं, बहुत चीज़ें नया नया मैंने ली हैं। और यस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।